अभी हम लोग समस्तीपुर लोकसभा का जो एनडीए उम्मीदवार संभावी चौधरी है उनके नामांकन में पहुंचे हैं। यहाँ पे काफी सारे आपको हमारे पीछे भीड़ भी दिख रहा होगा। ये पे हम लोग आए हैं मसान खुन पंचायत के मुखिया जी भी मिल गए हैं, इनसे बात करेंगे और इससे जानकारी लेंगे जो क्या कुछ लग रहा है आपको यहाँ की भीड़ को देख कर क्या लग रहा है, क्या लग रहा है यहाँ का भीड़ जो आप देखे हैं संभावी चौधरी इस बार क्या उम्मीद लग रहा है आपको एनडीए लेकिन हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने तय किया वोट से जीत रहे मक्का के किसानों का जानकारी करना है देख करके कल लोग दरभंगा लोकसभा का जो उम्मीदवार था गोपाल जी उनका जो नॉमिनेशन लेकिन पॉलिसी पूरी पूरी मौका मिला बिहार यहाँ की जो भीड़ है मजाक और जो रहे थे और देख रहे हैं पब्लिक का और बड़े से बड़े दिग्गज नेता देखने से पता चल रहा है कि कितनी भीड़ है और ये भीड़ ही नहीं है ये वोट भी है वोट भी है। ये भीड़ सिर्फ देखने से आपको चुनाव के दिन पता चलेगा कि कितने ज्यादा मतों से इनकी जीत होगी। निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार संभवी चौधरी भारी मतों से समस्तीपुर लोकसभा से विजयी होंगे ये पूर्ण विश्वास है। यहाँ के लोगों का जो उत्साह देख रहे हैं इतनी गर्मी में धूप में लोग प्रत्येक गांव से आए और काफी संख्या में अपने आप आए चल करके सरकार के पक्ष में और उम्मीदवार के पक्ष में बहुत जोश खरोश के साथ कार्यकर्ता मतदाता मालिक यहाँ आए। आज संभावी चौधरी का नामांकन है एनडीए प्रत्याशी आपको नीतीश कुमार जी की हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी बनाएंगे लोगों को काफी विश्वास है विकास पुरुष है कम उम्र में बहुत रिकॉर्ड बने विकास पुरुष के मंच सहयोग से तीन लोग जिला भी काफी विकसित हुआ है। हम लोग कोशिश करेंगे संभावी चौधरी को जिताने मंच पर तीन लोग ऐसे बन पड़ेगा धन सारा चीज लगा देंगे इनको जिताने कयास लगाया जा रहा है जो कांग्रेस के तरफ से अभी तक कोई प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं सम्राट चौधरी क्या लग रहा है आपको बिहार में इसका तो लोग भ्रमण करके बिहार में कांग्रेस सम्राट कांग्रेस के लिए कोई संभावना भी नहीं है। दूसरा संभावना अगर है तो संभावी चौधरी में है हम पूरा जोर लगा देंगे। दूसरा यह की जनता में काफी उत्साह है काफी लोग उत्सुक हैं और चाह रहे हैं और जो संभावी चौधरी को वोट देंगे और संभावी चौधरी को विजय बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे अभी तक कांग्रेस की कोई उम्मीदवार घोषित उम्मीदवार नहीं हुआ है। इसके लिए यहाँ लोगों में एक ही चीज है जो संभावी चौधरी के सामने कोई नहीं कैबिनेट मंत्री एनडीए गठबंधन के सामने उसका प्रत्याशी नहीं है और उसका जीता जाता प्रमाण आपको भीड़ और क्रोध जो कि लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है एक ही चीज का एक ही नारा लोग दे रहे हैं संभावी चौधरी है तो संभव है लोगों का कहना है संभावी चौधरी है तो संभव है।